नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मिलन विहार विकास समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मुरादाबाद में शुक्रवार को मिलन विहार स्थित सनातन धर्मशाला में विकास समिति के तत्वाधान में मिलन विहार विकास समिति ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया। कार्यक्रम में आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज के बालकों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके तत्पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता एवं संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद गीता शर्मा, समिति के संरक्षकों एवं सदस्यों द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष बालकों के उत्साह वर्धन के साथ ही आयोजित इस कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक एवं सेवा के कार्यक्रम निरंतर किए गए हैं। समिति द्वारा क्षेत्र में स्थित वृद्धजन आवास में निरंतर बुजुर्गों की सेवा एवं उनके मध्य में दीपावली, होली एवं त्योहारों को बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम का संचालन कोषाध्यक्ष सुधांशु कौशिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन महामंत्री दीपक गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में जगमोहन गोयल, प्रीत कंवल सिंह, हिमांशु, श्याम सिंह, रामदत्त द्विवेदी, ज्ञान सिंह, मुनीश चंद्र गुप्ता, रघुराज सिंह, राम शरण शर्मा, केपी सिंह, सरल कृष्ण कुमार काले, चरणजीत महरोत्रा, उत्तम सिंह, आशुतोष शंखधार, अभय पांडे, राजेंद्र सक्सेना, विवेक पांडे, गौरव गुप्ता, अतुल गोयल, वरुण गुप्ता, राजीव गुप्ता, सरदार सोनू भाटिया, दीपक कुमार आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नगर विधायक तो हैं, लेकिन हमें तो अपने मोहल्ले का उन्हें सरपंच मानते हैं।
हमेशा, और इसलिए मैंने संकोच होकर हमारी बात कर रहे थे, वो भी हमें कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमेशा आप हर साल इसी तरह हमारे कार्यक्रम में आते हैं। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और ये आज़ादी का अमृत काल जब ही संभव हुआ, हमारे भविष्य और मिलन विहार जो सब्जी और महेश यानी भैया जो भी हमारी पार्टी के प्रबंध कार्यकर्ता हैं, भाई भाभी और प्यारे बच्चे, आज मिलन विहार विकास समिति का जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह। मेरा नाम सुधांशु कौशिक है और मैं मिलन विहार विकास समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। और आज इस संस्था के द्वारा जो कि निरंतर हमारे जब आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे तो उस समय हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह, और उसी क्रम में आज यह तीसरा सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में यशस्वी रितेश गुप्ता जी, नगर विधायक जी की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता जी उपस्थित रही हैं। आज 22 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और एक बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का उद्देश्य यही होता है कि उन छात्र छात्राओं में उत्साहवर्धन हो, आगे की एजुकेशन के लिए उनमें मोटिवेशन आए, वे और उत्साह के साथ में अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि यही बच्चे कल के हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर और बड़े नेता बनने वाले हैं। हमारे मध्य में से ही कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा, तो ये इनका उत्साहवर्धन हो, इसी के हेतु हम यह पुरस्कार वितरण करते हैं।